गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आर्मी ऑफिसर मांडव्य सिंह। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Everyone, please start your video. Start your video, all of you. Sir, I'm opening in 5 minutes. We have written the formula total equal to average into number of attendees in the last class. हमने बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सॉरी नॉट एवरेज इक्वल टू टोटल इक्वल टू average multiplied by number of attendees. Okay, हमको ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चंस में इन एक्सरसाइज 15.2। In some of the questions, we have to use this formula. So, what is this formula about? Let me give you an example. कब ये formula कैसे use करना है? ये formula आपको तब use करना है जब आपको average given होगा and sum find करना होगा। तो थोड़ा सा उल्टा question है। Here in these type of questions, the average will be given. Sir, I have written. Okay. Total average equals to number of attendees. This is the formula. I hope everyone has written. Now, how when to use this formula? Have you all understood? इसमें आपको you will be in the question the average will be given. Average पहले से दिया होगा. आपको sum या total find करना होगा. ठीक है? For example, let me give you a small example. Suppose there is a football team, मांडवे बेटा क्या हो गया, गोल कर दिए तुमने क्या? मांडवे वापस आ जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं, कर रहे हैं इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं मांडवे। नाचता बहुत है लड़का। हाँ बेटा, मांडव्य कहाँ चले गए थे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सामान निकालने गए थे। yes, sir. गाने चल रहे हैं बेटा? no, sir. सॉन्ग सुन रहे हो? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? नो no, सर। So I am giving you an example to where to use this formula.
suppose there is a football team, और मैं आपको कहता हूँ the football team has scored an average of 3 goals in last 5 matches. पिछले 5 matches में the team has scored an average of 3 goals. तो यानी कि यहाँ पर average given है. What is the average? The average is 3. An average of 3 goals in last 5 matches. पिछले 5 matches में जो टीम का जो एवरेज है वो 3 गोल्स का है. ठीक है, सो एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ एडेंट्स भी आपको दिए हुए हैं, यानी कि 5. आपको टोटल गोल्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द टोटल गोल्स स्कोर्ड बाय द टीम, फुटबॉल टीम ने टोटल गोल्स कितने मारे हैं. सो वो टोटल कैसे निकालेंगे, यू विल मल्टीप्लाई एवरेज बाय नंबर ऑफ एडेंट्स, यानी कि 3, एवरेज कितना था 3, नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं 5, तो 3 × 5 आंसर क्या हो जाएगा 15. सो हम कहेंगे द टीम हैज स्कोर्ड 15 गोल्स इन द लास्ट 5 मैचेस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. विद द एक्सरसाइज इट विल बिकम मोर क्लियर. Exercise 15.2, question number 1. The average of 6 numbers is 492. What is their total? हमको average दिया हुआ है. Average of 6 numbers is 492. Average is 492. कितने नंबर्स का एवरेज है, 6 नंबर्स का. सो नंबर ऑफ एडेंट्स, नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हो गए, 6, बिकॉज 6 नंबर्स का एवरेज आपको गिवन है, सो नंबर ऑफ एडेंट्स हो गए 6. व्हाट इज देयर टोटल, फाइंड क्या करना है हमको टोटल. तो टोटल इज मिसिंग, वो हमको फाइंड करना. मान लो बेटा बहुत अच्छे गाने सुन रहे हो, कौन सा गाना सुन रहे हो बेटा, डांस बहुत अच्छा करते हो, गाना गा के खुद डांस कर रहे हो. तो टोटल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ एडेंट्स. Write the formula. So therefore, total will be, what is the average? 492 given hai humko. Number of addends bhi given hai. Kitne hai? 6. I put the values. 492 into 6. What is the answer? So the answer is 2952. 2952, 492 multiplied by 6. This is 2900. Sir, can you explain again? Yes, sure, why not? We got our pen, beta. Note down, kar lo pehle aap. Note down in your copy first. Note it down. Sir, I have done the first one. Okay.
sir written. Yes, written. Hello. So in this question, the average of six numbers. कितने numbers? Six numbers. इधर देखिए board पर. श्रीयांश पटेल, आपने पूछा था बेटा. Yes sir. So the average of six numbers. कितने numbers का average है? Six numbers का. So number of addends यहाँ पे six हो जाएंगे. Average of six numbers is 492. वो हमको दिया हुआ है. The average is given 492. Okay. You have to find the total of these numbers. Total इन सारे numbers का total, यानी कि add करके क्या आएगा इन सारे numbers को. तो total निकालने का एक formula होता है. This is the formula. Total is equal to average multiplied by number of addends. Sir, here we have to multiply 492 by 6. Yes. So average की value put कर देंगे. 492 is the value of average. Number of addends की value कितनी थी? 6 थी. देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए 6 है. तो उसकी जगह हमने 6 put कर दिया. Now multiply 492 by 6. The answer is 2952. Clear? Yes, sir, clear. Let's start question two. All of you, let's start question two. Sir, please wait. What have you won? Your question one. So now I have done. Let's tell the second one. Yes, may we start the second question? चलो बेटा देखो सेकंड. इन द सेकंड क्वेश्चन सुनील स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 73 रन्स इन 5 मैचेस. सुनील ने 73 रन मारे हैं. एवरेज ऑफ 73 रन्स इन 5 मैचेस. ओके सो अगेन एवरेज इज गिवन. नंबर ऑफ एडेंट्स भी दिए हुए हैं. What is the average? Sunil scored an average of 73 runs. 73 runs ka average hai Sunil ka. So ye average aapko given hai. In how many matches he has scored these runs? 5 matches. So number of addends ho gaye 5.
नंबर ऑफ एडेंट्स हो गए 5. यू हैव टू फाइंड द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय सुनील. टोटल रन्स कितने स्कोर करे सुनील ने ये बताना है आपको. तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एडेंट्स. सो 73 इज द एवरेज, नंबर ऑफ एडेंट्स 5. 73 इंटू 5 इज 365 रन्स टोटल रन्स उसने स्कोर करे हैं. नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर कॉपीज. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. Okay. Yes. Sir, written. Very sir, good. Please wait for 1 minute. Yes, all of you done question 2. Let's start question 3. In question 3, you have can to we go on question 3 ourselves. Yes, yes, yes. In question 3, it is given that a train covers an average distance of 460 kilometers per day.
ट्रेन की जो एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि एवरेज आपको दिया हुआ है, द ट्रेन कवर्स एन एवरेज ऑफ 460 किलोमीटर पर डे, सो द एवरेज इज 460. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 7 डेज. तो आप नंबर ऑफ एडेंट्स यहाँ पर कितने यूज करेंगे, 7. फाइंड द आंसर ऑल ऑफ यू. स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन 3. वेरी इजी क्वेश्चन. Completed yourself. Same as question 1 and question 2. Yes, sir. We all got the answer. Yes, sir. What is the answer, beta? Batao jaldi se. Sir, my answer coming 3,220. Sir, my answer is also same, sir. 3,220 kilometer. Yes, very sir. Good. My answer is also that. तो एवरेज इज 460 किलोमीटर. नंबर ऑफ एडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ डेज, कितने डेज की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, 7 डेज. सो फॉर्मूला इज टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ एडेंट्स, 460 मल्टीप्लाइड बाय 7. द आंसर इज सर 3,220 किलोमीटर. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. मोहम्मद फहाद बेटा कहाँ गए हुए हो, क्या कर रहे हो बेटा? कैमरा बंद कर लिया तुमने, इतनी अच्छी तुम
फाइट सीन कर रहे थे अभी अपने घर पर. सर कैन वी स्टार्ट द फोर्थ वन. Yes, 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 yes. Let's start fourth question. Fourth is very easy. Average nikalna. Again, it is a question similar to the questions that we have done in exercise 15.1. 15.1 में जैसे questions करें हमने, बिल्कुल same वही type का question है. Question 4. The heights of 5 girls are given. हमको एवरेज निकालना है. सो एवरेज एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स. सबसे पहले आप ऐड करेंगे द हाइट्स ऑफ ऑल द फाइव गर्ल्स. 155 प्लस 152 प्लस 146 146 प्लस 157 प्लस 145 यही है बेटा. 155 152 146 157 145 डिवाइडेड बाय 5 व्हाई डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज पांच गर्ल्स की हाइट निकाल रहे हैं एवरेज हाइट. ओके तो फाइंड द सम. क्या सम आया बताइए. 300 सर फर्स्ट वी हैव टू प्लस इट. 305 is it 755? Yes, add karo beta. 755 upon 5. Am I right? The sum is 755 beta. Check kariye. Meri math thodi weak hai. Please check karo beta. Aap log check kar lijiye. Aap log ki math bahut achhi hai. My sum is correct. सही है बेटा. बताओ ऐड करके 755 आ रहा है. यस सर. ओके नाउ यू डिवाइड इट. वन फाइव वन सेंटीमीटर्स. 151 सेंटीमीटर से दी इज दी एवरेज. इमाद बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो रेड टी शर्ट में. वेरी गुड. फहद सॉरी मोहम्मद फहद यू आर लुकिंग वेरी गुड इन रेड टी शर्ट. आर यू राइटिंग इट राइटिंग द आंसर्स इन योर कॉपी मोहम्मद फहद. Yes. Very good. Have you all understood question 4? Yes, sir. Note down the question and after noting the question 4, you will find the answer of question 5. Again, aapko average nikalna hai. Use the same method to find average. It is again a question similar to the questions which are given in exercise 15.1. उसी की तरह है. बहुत easy question है. Average find करना है. Average find करना आप सबको बहुत easily आ गया है. Try question 5 after completing question 4. Start doing.
Okay, all of you, have you all completed question 5? Yes, sir. The answer is 70 kilometer. Is the answer. Have you all got the same answer? Adeshika, Fahad, Avika, rest of the students? Yes, sir. आराध्य नवीरा सलमान प्रत्यूष पाल प्रत्यूष बेटा आप आंसर नहीं निकाल रहे हो इतने अच्छे बच्चे हो तुम तो प्रत्यूष प्रत्यूष बेटा आंसर निकाल दो Sir, I find the answer of fifth one also. Okay, beta, you all can check your answer of fifth one. I am doing it on the board. Check करिए आप लोग अपना आंसर जल्दी से हमें पांच बच्चों के वेट का एवरेज निकालना नहीं एज का एवरेज निकालना है एवरेज एज व्हाट आर द एजेस गिवन 6, 7, 11, 9, 12 6 + 7 + 11 + 9 + 12 / 5. So 6 + 7 = 13 + 11 हो गए 24 + 9 हो गए 33 + 12 हो गए 45. 45/5. What is the average? The average is 9 years. 9 years is the average. Question number 5. Answer. Have you all got the same answer? 70 kilometer kaise aaya beta Aditya answer how you have got answer as 70 kilometer in this question fifth question Aditya beta आपका आंसर 70 कैसे आ गया एवरेज इज 6 + 7 + 11 + 9 + 12 / 5 दैट मींस 9 इयर्स इज द एवरेज इज क्लियर सर बाय मिस्टेक आई हैव डन द सिक्स्थ वन फर्स्ट ओके